हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। एंड गेट में हमारे कितने इनपुट होते हैं? एंड गेट में हम दो इनपुट देते हैं और हमारा एक आउटपुट निकल कर आता है। ये हमारा सिंबल होता है एंड गेट का। ये एक इनपुट हमने ए दे दिया, दूसरा बी दे दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारा, ये वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी आएगा। ये क्या होता है, इसका आईसी नंबर होता है 7408। आईसी नंबर पूछ लेता है और ये क्वाड 2 होते हैं इनपुट एंड गेट। ओके, ये सिंबल है। अब मान लीजिए हम इनका कोई प्रॉपर्टी जान लेते हैं। यदि कोई भी इनपुट लो होता है, मान लीजिए हमने इसको कोई भी इनपुट लो दिया है, आउटपुट लो प्राप्त होगा। यदि हमने इसको लो इनपुट दिया है तो हमारा लो ही आउटपुट प्राप्त होगा। अगर हम हाई दे रहे हैं तो हमें हाई प्राप्त होगा। ओके, तो हम इसकी ट्रुथ टेबल जान लेते हैं। अब क्या है, मान लीजिए हमने ए, हमारा ए हमने इनपुट जीरो दिया है, बी इनपुट जीरो, तो हमारा ये आएगा आउटपुट, हमारा जीरो आएगा। हम ए पर जीरो देते हैं और बी पर वन देते हैं तो आउटपुट हमारा आएगा जीरो। यहाँ हम ए पर इनपुट दे रहे हैं वन और बी पर दे रहे हैं जीरो, तो आउटपुट आएगा जीरो। यहाँ हम वन दे रहे हैं, यहाँ हम वन दे रहे हैं, तो आउटपुट आएगा वन। हमारा सिर्फ जब हम दोनों पर आउटपुट वन देंगे, मतलब हाई वोल्ट वो देंगे और इनपुट देंगे, तब ही हमारा हाई आउटपुट मिलेगा, वरना हमारा क्या मिलेगा, लो आउटपुट। तो चलिए हम लॉजिक सर्किट देख लेते हैं इसका। ये है लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट ऑफ टू इनपुट एंड गेट। यहाँ हमने ये बैटरी लगा दी है, ये हमारा एक है ए और ये है बी इनपुट। यहाँ से मान लीजिए हम दोनों जीरो दे रहे हैं, यहाँ जीरो इनपुट दिया, यहाँ जीरो इनपुट, अब हमारा आउटपुट क्या प्राप्त होगा, जीरो। तो उस कंडीशन में हमारा ये बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ हम मान लीजिए जीरो दे देते हैं, इसके देखिए जिस तरीके से यहाँ ये जीरो दे दिया यहाँ और यहाँ वन दे दिया, तो आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, जीरो। तो उस कंडीशन में भी बल्ब नहीं जलेगा। मान लीजिए हमने वन दे दिया इसमें और इसमें जीरो दे दिया, उस कंडीशन में भी हमारा जीरो आएगा आउटपुट, वहाँ भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। सिर्फ किस कंडीशन में जलेगा, जब हमारा ये दोनों पे हम इनपुट वन देंगे तब हमारा आउटपुट वन मिलेगा और उस कंडीशन में हमारा बल्ब जलेगा। ये है लॉजिक सर्किट। अब जानते हैं हम नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट इट्स इनपुट। ओके, आईसी नंबर होता है इसका हमारा 7404। ये 7404 आईसी नंबर होता है। ये है हमारा सिंबल। इसमें क्या होता है, हमारा एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट। यदि हम एक इनपुट दे रहे हैं तो हमें एक आउटपुट मिलेगा, बट इसमें क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ हम आउटपुट दे रहे हैं तो उसका अपोजिट हमें, सॉरी, यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं उसका अपोजिट हमें आउटपुट मिलता है। हमारी प्रॉपर्टी, आउटपुट तभी प्रेजेंट होता है जब इनपुट जीरो अप्लाई किया जाता है। ओके, तो हमारी ट्रुथ टेबल क्या होती है, हमारा एक इनपुट दे रहे हैं तो एक ही इनपुट होगा, हमारे यहाँ आउटपुट आएगा। यदि हम जीरो इनपुट दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट आएगा वन, मैंने बोला अपोजिट आएगा। यदि हम वन आउटपुट दे रहे हैं तो वन इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट आएगा जीरो। अब इस कंडीशन में हम लॉजिक गेट देखते हैं, लॉजिक सर्किट देखते हैं। तो लॉजिक सर्किट क्या बनेगा इसका, देखिए यहाँ हमारी बैटरी लगी है, ये है बैटरी। यहाँ हमने ये इनपुट दे रहे हैं, ये बल्ब है। यदि हम इस पर जीरो देते हैं तो अब जीरो देने है तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन। उस कंडीशन में हमारा बल्ब चलेगा। हम यहाँ देंगे वन, अब जब यहाँ हम वन देंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें जीरो, उस कंडीशन में हमारा बल्ब नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा और गेट और एंड गेट का सर्किट डायग्राम। ओके, सॉरी, नॉट गेट का। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी एंड ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हम हो गए हमारे बेसिक गेट, अब जानेंगे हम अदर गेट कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे गेट हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।